हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटो ब्लॉगर रोनित। तो देख लीजिए, हमारा यहाँ पर तीन दिनों का जो बारिश हुआ इसमें बाइक का क्या हालत हो गया, पूरा ख़राब हो गया, क्या बोलूँ। तो देखिए, पूरा धूल जम गया और इसका देख लीजिए अच्छे से। तो चलो, इसको धुलवाना जाने पड़ेगा, धुलाई करेंगे इसका। तो फिर चलते हैं, चलो रास्ते में बात होगा जाते जाते। तो चलो निकलते हैं। अरे भैया आ गया, मेरा बड़ा भाई है। चलो तो निकलते हैं, अभी बाइक धुलवाने के लिए जाना पड़ेगा। पास में ही है मेरे दोस्त का, ही मेरे दोस्त का पापा का गैरेज है, उधर जाएंगे हम लोग। बिट्टू भैया साहिल का बड़ा भाई, बिट्टू भाई धुता हुए धुबो, हवा चेक है इधर कच्चा होवे ना, सामने हो जाए रखी जाए ना, ये तो बेसि कण ना, किचुक्षण मध्य निब ये कि धुला। हमें चले जाब, बाड़ी चले जाब इधर पर। I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want
में बताना साउंड कैसा आ रहा है, वीडियो कैसा है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे लगेगा कि अच्छा है शायद, तो हम इसी पे फोकस करेंगे। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि अच्छा नहीं है, अच्छा करो और भी अच्छा करो, तो तब हम और भी बेटर करने का कोशिश करेंगे। तो रोड अच्छा है, रोड इधर हर एक दिन आते नहीं हो, जब ज़रूरत होती है तभी आते हो, क्योंकि आके क्या करूँगा यार। और आप लोगों के लिए तो अब ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि हम अब यूट्यूब में जो वीडियो करने लगे हैं तो अच्छा रोड तो लाना पड़ेगा, तो हमको खुद आना भी पड़ेगा। आएंगे क्यों नहीं आएंगे। और इस बाइक में वाओ, पल्सर 220 का ये जो कलर है ना, अच्छा लग रहा है मुझे पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि वाइट के साथ रेड का जो कॉम्बिनेशन, अरे यार आपको पहले ही बोला था जितना भी हाई रोड हो मगर लोकेलिटी जैसे है। चलो मार ना दे किसी ने। हाई रोड है मगर हाई रोड के तरह रहते नहीं है, क्योंकि सब लोग इसको लोकेलिटी समझते हैं। गियर ड्रॉप किया मैंने, साउंड आया आपको, और एक गियर ड्रॉप कराऊंगा। अब चलो भगाते हैं थोड़ा। ओ भाई साहब देख लिया, इसलिए नहीं भगाता हूँ। नहीं भगाऊंगा, क्योंकि मन खराब हो गया, सोचा था थोड़ा सा भागा लेते, और रोड अच्छा है, खाली खाली सा है। यार इसलिए डर लगता है, अगर चढ़ जाए ना तो किसकी गलती है वो पता नहीं करेगा, वो लोग बिल्कुल मुझे पकड़ के जेल में भर देगा। तो जेल जाने से अच्छा है ध्यान से चलाना पड़े। भाई ये देखो, ये कोई हरकत है, हर कोई तो इधर स्पीड से ही आएगा, क्योंकि रोड है, अच्छा रोड है, हाई रोड है। मैं फोर लेन वाला हाई रोड की बात नहीं करता, मगर जो भी है हाई रोड तो है, बस ट्रक सब कुछ चलती है इस रूट से, ये रूट है। तो हमारा तो काम की जगह आ गया है, हमको इधर ही काम करना है, जो सामने राइस मिल दिख रहा है इधर हम डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, सबमिट कर देंगे डॉक्यूमेंट। तो अंदर तो किचड़ है किचड़, अंदर तक मैं बाइक नहीं लेके जाऊंगा, साइड पर रखेंगे। इधर कोई बात नहीं, इधर डर नहीं है कि कोई बाइक को कुछ कर दे, क्योंकि खाली खाली सी जगह है, बाइक को धुलाया है आप लोगों ने देखा, वॉश करिए, तो इसको और गंदा नहीं करेंगे। तो गाइस फाइनली काम जो करना आया था वो हो, तो फिर से चलने लगा हूँ। तो यहाँ से तो किसी भी जगह में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि घर जाने वाला हूँ अभी। और सबके पास जो मेरा एक विनती है वो है, मैं तो बंगाली में बात करता हूँ, दरअसल हमारे यहाँ तो बंगला है आपको पता ही है, तो हम बंगाली में बात करता हूँ, तो वीडियो बनाने का वक्त मैं हिंदी यूज़ करती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि हमारा तरह हर लोग तो बंगाली नहीं है ना, सबको समझ में आना चाहिए मेरा बात, इसलिए हिंदी में बात करता हूँ। तो हिंदी मेरा थोड़ा वीक है वो मुझे भी पता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी बेटर करने के लिए। मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारा हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है, तो मैंने पहले ही सॉरी बोल दिया था इसलिए, क्योंकि मेरा तो छोटा मोटा गलती होगा ही अभी। हाँ, तो वो गलती ना हो इसके कोशिश में हम लगे हुए हैं। और हिंदी थोड़ा वीक है पहले बोला, फिर भी बोल रहा हूँ हिंदी थोड़ा वीक है, तो वो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखिए हम तो ऐसी स्पीड पे चला रहा है, कभी कभार हर वक्त तो नहीं चला रहा है ना, तो और मेरा जो ध्यान है वो बिल्कुल बाइक चलाने में है, मोटो ब्लॉगिंग में ज़्यादा वो ध्यान नहीं है, क्योंकि जो बात कर रहा हूँ वो स्पीड अब जब था तब नहीं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को पता ही है, अब तो नॉर्मल भी चला रहा हूँ। और हम अभी तो ऐसे रेडी होके तो नहीं आया था, तो मेरे हाथ ग्लव्स व्लव्स कुछ नहीं है, तो कभी दूर कभी जाएंगे लॉन्ग टूर के लिए तब हम ग्लव्स ज़रूर यूज़ करेंगे। और मेरे पास राइडिंग गियर्स है, और भी लेना पड़ेगा, थोड़ा वक्त है ज़्यादातर नहीं है, तो ज़रूर लेंगे, एक एक करके लेंगे, शायद एक साथ सब कुछ खरीदना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा,
और सबसे ज़रूरी जो बात है फैमिली का जो सपोर्ट, वो तो चाहिए ना, तो वो थोड़ा वक्त मिलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा इस ओवर स्पीड भागाना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मेरा मन भी नहीं करता है ओवर स्पीड भागाने के लिए। कभी कभार हो जाता है, आप लोगों को समझ में आते हैं शायद, क्योंकि हम जो ए स्पीड है ना, इसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। 50 से 70 तक, 50 से 70 तक जो स्पीड है ये मुझे अच्छा लगता है। चलो भाई, चलो स्टार्ट निच्छे ना, तेल आछे, तेल आछे, एक मिनट रुको, थोड़ा देख लेते हैं क्या हुआ। अगर मैं काम तो थोड़ा वक्त इधर उधर हो जाता है। चलो देखते हैं, इस तेल आछे तो माता ही तो খুলছে না, যেটা তোমার একটু খোলো তো। আচ্ছা আচ্ছা, তেল তো আছে, তুমি লাগাও, আমি দেখছি কতটা কি করতে পারি একটু দেখি। লাগাও লাগাও, অন করো, এটা নাও, এটা তুলো, এটা হ্যাঁ ওটা সরাও, ওটা নিয়ে নাও, হাতে নিয়ে নাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেলফি আর কি ঠিক আছে, দাঁড়াও একবার চালিয়েই দেখি, যদি বন্ধ হয়ে যায়। পিছনে গিয়ার না, এটা পাংচার টামচার আছে নাকি? ও প্রবলেম আছে না তোমার বাইকে? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সাবধানে চালিও, এ তো প্রচুর কন্ডিশন খারাপ। আচ্ছা তাহলে যখন চলছে, যখন তুমি তোমার অভ্যেস আছে চালানো, এটা তুমি একটু চালিয়ে নাও। ওকে চলো যাও, কি করো? হ্যাঁ চলো, আব হো গে তো যাও। ক্যা হালত হ্যায় বাইক কা, বহুত হি খারাপ হ্যায় ভাই বাইক কা হালত। তো চলো, জো ভি থা মেরা ফর্জ থা এ করনে কা। আর জো লোগ নয়ে হ্যায় মেরে চ্যানেল মে, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे तक शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, बुरा लगा तो भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे जानना है हम ठीक ठाक कर रहे हैं या नहीं, जानना ज़रूरी भी है। और आगे एक लॉज है सबसे बड़ा, टापू टुपू लॉज, बहुत ही बड़ा है। सलार में 3 लॉज है अभी, मुझे जितना पता है, नहीं 4 है, 4। तो एक दिन सब कुछ घूम के दिखा देंगे, एक दिन सिटी राइड करेंगे। ये तो सिटी का बाहर राइड हो गया, काम के सिलसिले में राइड भी हो गया, और एक दिन ओनली सिटी राइड करेंगे, वो वीडियो डाल दूंगा बाद में, सिटी राइड करेंगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप लोग, कोई बात नहीं। ऐसे कौन सामने आते हैं यार।